स्टोर करेंगे और उसी हालत में रिस्टोर करेंगे। ऑलरेडी हमारी टीमें काम कर रही हैं उसके ऊपर। और दूसरा मेरा जो हमारे मुस्लिम स्कॉलर हैं खास तौर पर रागिब नईमी साहब, मेरी इनसे हाफिज साहब से ये रिक्वेस्ट है कि हमें कोई ना कोई लॉन्ग टर्म प्लान बनाना पड़ेगा कि हमें मुसलमानों को भी जब इस तरह के वाकयात होते हैं तो हमारा दीन हमें क्या कहता है, हमारे नबी ने हमें क्या पैगाम छोड़ा है, उसको जरूर उन तक पहुंचाएं कि भाई असल हमारा दीन ये कहता है। तो इस सारी चीज के साथ मैं दोबारा एक दफा, हम सब एज अ पाकिस्तानी एक हैं और किसी भी साजिश में हमने या जो कोई करेगा उसको हमने नाकाम बनाना है। और इस बात में हम बहुत क्लियर हैं कि इस तरह के इंसिडेंट की ना इस मुल्क में, ना रिलीजन में, ना हमारे सूबे में ये गुंजाइश ही नहीं है। पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मजाहिब और अध्यान के कायदीन और तमाम मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, हिंदू, बहाई का मुश्तरका इजलास आज मौखर 17 अगस्त 2023 ज़ेर सदारत जनाब सैयद मोहसिन रजा नकवी, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला ऑफिस 8 क्लब रोड लाहौर मुनक्कद हुआ। इजलास के जुमला शर्का इस मुश्तरका अलामिया के जरिए इस अमर का ऐलान करते हैं कि पाकिस्तान के क्याम और इसके इस्तेहकाम में पाकिस्तान में बसने वाले दीगर तमाम मजाहिब और अकलियती रहनुमाओं का करदार हमारी तारीख का एक रोशन बाप है। वतन अजीज के मानूसी हालात इस अमर के मुतकासी हैं कि तमाम मजाहिब और अध्यान की लीडरशिप और दीनी शख्सियात कौमी यकजहती, मुल्की इस्तेहकाम, बैनुल मजाहिब मुकालमा और मजमूई अमन अमान के लिए हमेशा की तरह अपना असासी और कलीदी करदार अदा करते रहें। हम हुकूमत पंजाब की वसाकत से पूरी कौम को यकीन दिलाते हैं कि दफाए वतन और कौमी और मिली सलामती के तकाजों से पूरी तरह आगाह और पूरी कौम के साथ सीसा फलाई हुई दीवार की तरह मुतहद और मुतफिक है। आज का ये इजलास जलावाला में रोनमा होने वाले दिल खराश और अफसोसनाक वाकयात की भरपूर मजम्मत करता है। हम कुरान पाक और बाइबल समेत तमाम कुतुब समाविया की अजमत के अमीन हैं। हम कुरान पाक की तौहीन की जो जसारत हुई इसकी मजम्मत करते हैं और इसके साथ चर्च के नजर आतिश होने और इसमें बाइबल मुकद्दस की तौहीन भी मजम्मत करते हैं। हम मसाजिद समेत तमाम आदियान और मजाहब की आबादत गाहों के तकद्दस और हुरमत के भी निगाहबान है। जलावाला में मसीही इबादत गाहों की नजर आतिश करना और मसीही बरादरी को आबादियों का जलाओ घेराव भी काबिल मजम्मत और अफसोसनाक है। आज का ये इजलास इस अमर का भी मुतफिक है कि इस सानहा की आला सदा तहकीकात के लिए कमीशन कायम होना चाहिए और जिम्मेदारान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। यकीनन वतन अजीज इस वक्त अपनी तारीख के नाजुक दौर से गुजर रहा है। मुश्किल की इस घड़ी में हम सब्र, हौसले और तदब्बर का मुजाहरा करते हुए वतन अजीज को अमन और सलामती का गहवारा बनाकर इसे मजबूत और मुस्तहकम करने का अज़्म करते हैं। खुदाए बुज़ुर्ग और बरतर से दुआ है कि वो हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और तमाम मजाहब के दरमियान इतिहाद को मजबूत करने की हमारी इन कोशिशों को समर बार फरमाए। आमीन। लाहौर निगरान वज़ीर आज़म।